आज तारीख थी 9 अप्रैल 2022। एक नई सुबह के साथ आज एक सफर की शुरुआत होने जा रही थी गाइस। सफर था मेरे घर से लगभग 55 किलोमीटर दूर सोरघाटी यानी पिथौरागढ़ टाउन में बसे एक पर्वत शिखर का, एक ऐसा पहाड़ जहां से समूचे पिथौरागढ़ शहर को एक साथ देखा जा सकता था, एक ऐसा पहाड़ जहां से एक ओर पिथौरागढ़ शहर तो ठीक उसके विपरीत दूसरी तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का नजारा किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर देता। बचपन से अक्सर मेरा पिथौरागढ़ आना जाना लगा रहता था गाइस, क्योंकि मैंने अपनी 11th 12th की पढ़ाई पिथौरागढ़ से ही कंप्लीट करी थी। जब भी मैं पिथौरागढ़ में होता था, दूर से ऊंचा खड़ा वो पहाड़ अक्सर मुझे दिखाई देता था, और हर रोज रात होते ही पहाड़ के शिखर पे एक रोशनी जल जाया करती थी, क्योंकि उस पहाड़ के शिखर पे एक छोटा सा मंदिर था। आज की वीडियो उसी पहाड़ के टॉप तक की रहने वाली है गाइस, जिस पहाड़ पे आज तक कभी जाने का मौका नहीं मिला। आज दिन था उस पहाड़ के टॉप पे जाकर वहाँ नाइट कैंपिंग करने का और समूचे पिथौरागढ़ का अद्भुत नज़ारा अपने कैमरे में कैद करने का। आज का अपना यह सफर था असुरचूला पीक का। तो गाइस गाइस और गाइस, लगभग एक महीने के बाद आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में अपना ही सफर रहने वाला है पिथौरागढ़ शहर से लगी एक पहाड़ी जिसके टॉप पे असुर बाबा का एक छोटा सा मंदिर है। असुर बाबा कौन थे और कैसे इनको पूजा जाने लगा, ये सारी बातें आपको असुरचूला के इस सफर में बताएंगे गाइस। तो हम लोगों ने अपने घर से लगभग सुबह 9:30 बजे असुरचूला के लिए अपना सफ़र शुरू किया। तो सबसे पहले हमको पिथौरागढ़ जाना था, और पिथौरागढ़ से लगभग 8 किलोमीटर दूर मड़ नामक एक गांव में जाकर हमको वहां पे अपनी गाड़ियां पार्किंग में लगानी थी, और वहां से असुरचूला के लिए अपना पैदल ट्रैक शुरू करना था। तो भाई इस वक्त हमें डीडी हाट की मार्केट में और अपने साथ देखिए कौन शख्स हैं। हम दो लोग यहाँ से जा रहे हैं असुरचूला पिथौरागढ़। जैसे कि इंट्रो में आपको बताया था, बहुत बढ़िया है सफर रहने वाले। तो इस बार कुछ खास क्या है भाई, कुछ खास ये है कि हमारे पास है अपने कैंप, 2 मैन 3 मैन जो भी है भाई। तो हम 3-4 लोग एडजस्ट होने वाले हैं एक कैंप में, और एक लौंडा पिथौरागढ़ से हमको फिलहाल के लिए ज्वाइन कर रहा है, वो है अपने मौसम भैया यानी कप्तान भैया। इस वक्त हमें डीडी हाट के मध्य और डीडी हाट बस क्रॉस होने ही वाला है, और आगे कहीं बढ़िया सी जगह में रुकते हैं भाई, थोड़ी देर वहाँ पे चिल करते हैं, बैठते हैं भाई, ऐसे रुकते हुए जाएंगे। तो हमारा जो रूट था ना गाइज, हमने कौन सा रूट लिया, हमने लिया भाई थल से डीडी हाट होते हुए पिथौरागढ़। अगर मैं शॉर्ट रूट की बात करूं तो थल से पिथौरागढ़ लगभग 55 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जिस रूट से हम आ रखे हैं ये रूट लगभग 25 किलोमीटर ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन हम इस रूट से क्यों आए हैं भाई, यहाँ से दिखाने लायक अच्छी अच्छी जगह है। वैसे तो आजकल मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है यार, हर जगह धुंध सी जा रखी है, और आप लोग जानते हो भाई अप्रैल के महीने में यही सीन रहता है, धुंध आ जाती है, लोग जंगलों में आग डाल देते हैं। तो आगे चलते हैं, फिर दिखाएंगे आपको किस तरीके से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जगह के बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे, और कुछ बढ़िया से सिनेमेटिक्स आज की इस वीडियो में ऐड करेंगे। ने अस्कोट धारचूला। तो भाई ऐसी थोड़ा सा बातें बातें कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं कि भाई कैसे हमको जाना चाहिए, मजे से आता है ऐसी बातें करने बिना भाई, मजे आ जाते हैं। तो अगर आप लोगों को कैंपिंग वीडियोस देखनी है, अच्छा सा सीन्स देखना है कि कहाँ पे डुओ कैंपिंग सोलो कैंपिंग ऐसा कुछ देखना है, तो भाई उस चीज के लिए आप पर्वतवासी चैनल से जुड़े रहें। कैंप वैम्प खरीद लिए हैं भाई हमने, तो आने वाले टाइम पे कैंपिंग व्लॉग्स आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको ऐसी सीन। गाइज अगर आप लोगों को कभी पिथौरागढ़ आने का मौका मिलता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक बार आपको असुरचूला जरूर से जाना चाहिए यार। असुरचूला पीक से दिखने वाले पिथौरागढ़ टाउन के साथ साथ हिमालय का नजारा वाकई में बहुत शानदार रहते हैं। अगर आप लोग उत्तराखंड के बाहर से यहाँ पे आते हो तो आप लोगों को रूट क्या पड़ेगा वो मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। अगर आप लोग दिल्ली से आते हो या फिर दिल्ली आपके रास्ते में आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मुरादाबाद आ जाने, मुरादाबाद के बाद रुद्रपुर होते हुए किच्छा, उसके बाद खटीमा होते हुए टनकपुर, टनकपुर के बाद चंपावत, और चंपावत के बाद पिथौरागढ़। दिल्ली से पिथौरागढ़ तक की टोटल डिस्टेंस आप लोगों को लगभग 500 किलोमीटर पड़ेगी। हम यहाँ आए हैं असुरचूला जाने के लिए, और हमको सामने पे ये वाली एक पहाड़ी दिखाई दी, तो हमको इस पहाड़ी को देख के लगा यार कि पहाड़ी काफी खूबसूरत लग रही है, कौन सी पहाड़ी होगी। माउंटू जी जाने पीक फाइंडर करके देखा तो यही असुरचूला है भाई। सामने पे जो पहाड़ी का सिरा दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ी पे जाने और उसके तलहटी में दिखाई दे रहा है बीसा बजियड़ गाँव। बहुत शानदार ये सफर रहने वाले है। वाह भाई वाह, नाइस। हम इस जगह पे आके खाली सोच रहे थे यार कि कभी इन फ्यूचर अगर प्लान बना तो अब तो अपने पे खुद का टेंट है तो हम यहाँ पे आके रुक सकते हैं। तो यही सीन चेक करने के लिए माउंटू जी जाने पीक फाइंडर खोल के देखा, तो जैसे ही भाई पीक फाइंडर खोला तो उसमें दिखा रहे हैं असुरचूला, लगभग 2200 मीटर ऊंची पहाड़ी है। और अभी हम फिलहाल ध्वज की तलहटी में चल रहे हैं, ध्वज भी दिखाऊंगा अभी आपको आगे से जहाँ से नजदीक दिखते हैं भाई। यहाँ से अब एक बार आपको ध्वज का खूबसूरत नजारा दिखाते हैं, ये देखिए भाई।
क्या कहने भाई, जो ऊपर पे पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, ये भाई यहीं चढ़ के गए थे हम। और इससे भी ऊपर है भाई, जो अभी आपको ये टॉप का सिरा दिखाई पड़ रहा है ना, इसके पीछे साइड और पीछे तो हाइट में है, वो है ध्वज की पहाड़ी। भाई अगर यहाँ से असुरचूला की बात करूँ ना, तो यहाँ तक का रहने वाला अपना आज का सफर। अभी हम गाड़ी लगा के रोड पे रुके हुए हैं और हमने जाना है इस वाली पहाड़ी तक। सामने पे देखिए गाइस, लगभग 3 घंटे की इस रोड ट्रिप में प्राकृतिक नजारों का आनंद उठाते हुए हम लोग कब पिथौरागढ़ पहुंचे हमें खुद ही पता नहीं चला। अब हमको पिथौरागढ़ से 3 लौंडों को और उठाना था, जो असुरचूला की ट्रिप में हमारे साथ आने वाले थे। तो भाई अभी हम लोग हैं पिथौरागढ़ शहर के मध्य में, ऐसे गाड़ी के अंदर बैठे हुए। एक नए शख्स से आपको मिलाते हैं राजा भैया। भाई अचानक से प्लान बना इनका आने का, ये हमको मिले। और कौन कौन लोग आ रहे भाई? हम घर से ना थल से हम 2 लौंडे आए थे, लेकिन यहाँ आ गए हम, टोटल 5 लौंडे हो गए हैं। तो अब 5 लौंडे हम जा रहे हैं यहाँ से असुरचूला को, आपको दिखाएंगे वहाँ चल के। मोंटू चचा, राजा भैया, मैं, मौसम भैया और अपने जित्तू भैया, तो 5 लोग हैं। ये 5 लोग को भी मिलाता हूँ भाई, जब सब लोग साथ में आ जाएंगे आपको दिखाऊंगा कौन कौन लोग हैं जो आने वाले हैं असुरचूला। तो अभी चलते हैं आगे, जहाँ से ट्रैक शुरू होगा भाई वहाँ पे आपसे मिलते हैं कुछ सामान वामान लेके। भाई यहाँ से असुरचूला का ना बहुत ही प्यारा नजारा दिखाई पड़ रहा है यार, पिथौरागढ़ में अपने सारे काम निपटा के। भाई अभी हम निकल रहे हैं असुरचूला के लिए, देखिए वहां जाना है हमको सामने वाली पहाड़ी पे। भाई तो भाई अभी हम लोग शहर के कोलाहल से दूर, पिथौरागढ़ सिटी को दूर छोड़ के असुरचूला वाली रोड में आगे निकल आए हैं, और यहाँ से हमको इसी रोड में आगे जाना है। और भाई सामने कहीं असुरचूला दिखाई पड़ रही थी, अभी नहीं दिखाई पड़ रही। यहाँ पे दाजी जी मिले थे, इनसे हमने रास्ता वस्ता पूछा था, और दाजी जी के यहाँ से थोड़ा बन वगैरह कुछ ऐसे सामान लेके जा रहे हैं खाने के लिए। ये देखिए भाई गाड़ी के अंदर बैठे हुए अपने जीतू भैया और मौसम भैया। वो देखिए गाइस सामने अपनी मंजिल दिखाई पड़ रही है, वाह भाई वाह खूबसूरत। जी आप कहाँ जा रहे हो? साइकिल में झूला घाट तो गोली हो रही है, देखना वो पूरा पूरा ढका पूरा ढका आज इससे मड़बाट है जो लगा। भाई यहाँ ना टॉप पिक पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये नहीं पता भाई ये कौन सी असुरचूला है कि कौन सी है। जहाँ तक लगता है भाई असुरचूला ही होगी। तो हम अभी भाई थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, जहाँ से हमको पैदल जाना था हम इस रोड में थोड़ा सा और आगे निकल आए हैं। तो हमको पीछे कहीं वहाँ से फिर वहाँ से हमको ऊपर का रास्ता लेना है, दिखेंगे अभी आपको आगे। भाई अभी फीलिंग आ रही है कि हम पिथौरागढ़ शहर से बहुत दूर हैं, शहर के इस कोलाहल से बहुत दूर, एकदम शांत वातावरण में ऊपर जाएंगे। ऊपर से तो भाई और अल्टीमेट सीन होगा, दिखाएंगे आपको। देखिए भाई यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, और अगर असुरचूला जाने का रास्ता बताऊं तो वहाँ जो आपको घर दिखाई पड़ रहे हैं इनके पीछे से यहाँ से कहीं से रास्ता जाएगा, और हमको जाने उधर टॉप पे। वो देखिए गाइस असुरचूला की पहाड़ी दिखाई पड़ रही है और मंदिर दिखाई पड़ रहा है टॉप पे। तो यहाँ से अपना सफर शुरू होते है असुरचूला के लिए। टावर देख भाई, क्या टावर देख, वही तो कह रहा हूँ भाई टावर ही इतने नीचे है, वो जड़ में था उसके पास में चले। भाई हमको देखो पहले तो उस टावर तक जाने जो ऊपर दिखाई दे रहा है टॉप पे, वही काफी दूर है यार, और पता नहीं क्यों लोगों ने बोला कि आधे घंटे का रास्ते है। देखिए भाई अब हाइट पे आते जा रहे हैं, नजारे बेहतरीन होते जा रहे हैं यार, वाह। ये देखिए भाई यहाँ से दिखाई पड़ रहे पिथौरागढ़ नगर का खूबसूरत नज़ारा, और जो ये एरिया है ना गाइज ये है नैनी सैनी, और यहाँ पे हवाई पट्टी दिखाई पड़ रही है। एक बार लीनियर करता हूँ, ये देखिए भाई ये लीनियर, और सामने पे देखिए भाई हवाई पट्टी दिखाई पड़ रही है ये, और ये नैनी सैनी। तो भाई कुछ ऐसा सा नज़ारा है यहाँ से पिथौरागढ़ का। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते जाएंगे ये नज़ारा और ब्यूटीफुल होता जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं गाइज। तो भाई आज हमारा प्लान है असुरचूला के टॉप पे कैंप लगाएंगे, कैंप अपने साथ लेके आ रहे हैं हम लोग। तो इन फ्यूचर आपको इसी चैनल से यानी पर्वतवासी चैनल से और भी काफ़ी सारे कैंपिंग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो भाई स्टे ट्यून रहना इस चैनल के साथ, आने वाले टाइम पे आपको कैंपिंग की कुछ बढ़िया सी वीडियोस दिखाऊंगा, सोलो डुओ हर टाइप की कैंपिंग करूंगा गाइस। मिलते हैं आगे। सचिन मेकअप आर्टिस्ट
तेरी दोस्त तेरे ही दोस्त है वो तो। वाह वाह भी चल रही निगाहें लगातार पिथौरागढ़ की ओर जा रही है भाई, क्योंकि यहाँ से पिथौरागढ़ दिखाई कुछ इतना शानदार दे रहा है यार। वाह भाई वाह, थोड़ा ऊपर चलते हैं गाइस, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। भाई अभी हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है वो है एक टावर है, तो हमने सोच रखा था कि भाई पहला स्टॉप टावर पे लेंगे, तो अभी ये देखना है कि भाई टावर यहाँ से कितना ऊपर है। और अगर रोड की बात करूँ तो भाई रोड से वैसे हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं यार, अब यहाँ से हमको लगता है कि ज़्यादा जाना नहीं होगा, एक घंटा मैं मान के चलता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एक घंटे का टाइम लगेगा। भाई रास्ता देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अपने टीममेट्स दिखे। और भाई वाह यार, काफ़ी लंबे टाइम बाद, लगभग एक महीना होने को है, लगभग एक महीने बाद लास्ट अभी हम लंकेश्वरी गए थे यार, और तब के बाद अभी मौका मिल रहा है कि मैं कोई व्लॉग शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले महीने होली थी और उसके बाद बिटोला वाला सीन आप लोग जानते हो भाई, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। लेकिन अब कोशिश करूँगा कंटिन्यू रहूँ, कोशिश नहीं करूँगा कंटिन्यू रहूँगा। और भाई अब क्या है कि भाई कैंपिंग के अरेंजमेंट्स हो चुके हैं अपने पे, तो किसी भी तप्पड़ पे इजीली जाके हम लोग कैंप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जैसे आज यहाँ आ रखे हैं। तो चलते हैं आगे, ऐसी ज़रूरी ज़रूरी चीज़ आपको बताते हुए चलेंगे, थोड़ा ऊपर चलते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। बाघ का भाई यहाँ पे कुछ वर्कर्स लोग रुके हुए हैं, कुछ काम वाम चल रहा है शायद यहाँ पे, आवाज़ आ रही है भाई टेंट के अंदर से, ऐसी टेंट अभी हम भी लगाएंगे लेकिन छोटा होगा। ढाबा क्या बन रहा है? भाई इसी टावर की बात हो रही थी जो आपको सामने पे टावर दिखाई पड़ रहे, तो अपने पहला स्टॉप यहीं पे लेने, तो यहाँ पे रुक के चलेंगे भाई कुछ देर। भाई जी ये है वो विशाल टावर, अभी हम इस टावर पे पहुँचे हैं और यहाँ भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ओ भाई 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 तगड़ा है, ये कहाँ से लेके आए? पाइप वाइप मशीन से कौन सी? अच्छा उससे खींचते हुए। ये काहे का टावर बन रहे? ये टावर काहे का बन रहे? अच्छा बिजली, हाँ बिजली वाला हो गए, ठीक ठीक। बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा। ओ भाई भाई अल्ट्रा वाइड करना पड़ रहा है, ये देखिए भाई। ओ भाई 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 भाई, भाई। इसके नीचे से होके जा रहे हैं हम। वाह यार वाह, अल्टीमेट। ये देखिए भाई कुछ एंगल चेंज होते हुए लग रहे होंगे आपको, एकदम टावर के नीचे से भाई। ये देखिए, ओ भाई 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 भाई, वाह बेहतरीन भाई। सनसेट का बहुत प्यारा नज़ारा भाई, देखिए वाह भाई वाह। यहाँ पे कुछ स्कूल सा दिखाई पड़ रहा है और सनसेट हो चुका है, तो भाई आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो देखते हैं भाई कैसा सीन रहता है ऊपर पहुँचने तक, कितनी लाइट हमको देखने को मिलती है। और यहाँ दिखाई दे रहा ब्यूटीफुल पिथौरागढ़ भाई। भाई बहुत प्यारी और बहुत ठंडी हवा चल रही है यार, मजे आ गए भाई। ओ भाई 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 भाई, यहाँ से आप लोग एक बार पिथौरागढ़ का नज़ारा देखिए यार। वाह भाई वाह भाई, पूरा पिथौरागढ़ दिखाई पड़ रहा है यार भाई, बहुत ही शानदार यार, अल्टीमेट मोमेंट। और यहाँ से टॉप पे मंदिर देखिए गाइस, वाह भाई वाह।
शाम के 6:30 बजे हम लोग असुरजुला के टॉप पे पहुंचे गाइस। टॉप से दिखने वाले पिथौरागढ़ शहर का नजारा बेहद खूबसूरत था। ढलते सूरज के साथ पिथौरागढ़ शहर की खूबसूरती को और अधिक बेहतर देखा जा सकता था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता चला गया और पिथौरागढ़ शहर रोशनी से बढ़ता चला गया। रात के अंधेरे में जैसे ही मैंने पिथौरागढ़ की ओर अपनी निगाहें डाली तो कुछ देर के लिए मैं हैरान सा हो गया। मेरे सामने एक ऐसा शहर था जहाँ हर एक पल खूबसूरत था। यहाँ की सुबह खूबसूरत, दिन खूबसूरत और रात वाह वाह वाह। पिथौरागढ़ शहर को देखकर मानो ऐसा लगा आसमान उल्टा होकर धरती में चमचमा रहा था। सितारे जमीन में आकर धरती को झूम रहे थे। ये पल आज के इस सफर का सबसे खूबसूरत पल था गाइस। सितारों की इस दुनिया को निहारते हुए कब रात हो चली कुछ पता ही नहीं चला। अब वक्त हो चला था असुरजुला की इस पहाड़ी में कैंप लगाकर आज की रात यहाँ नाइट स्टे करने का। जहाँ एक ओर इस टॉप से पिथौरागढ़ शहर के दिल छू जाने वाले नजारे थे तो वहीं दूसरी ओर शहर के कोलाहल से दूर यहाँ सिर्फ शांति का वास था। और दूर कहीं से आ रहा शहर का मध्यम सा कोलाहल इस पल में एक संगीतमय ध्वनि के सिवा और कुछ नहीं था। होप करता हूँ गाइज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। असुरजुला ट्रिप डे वन में बस इतना ही। डे टू की वीडियो 2-3 दिन में आप लोगों को इसी चैनल में देखने को मिलेगी गाइज। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करके पर्वतवासी चैनल पे अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना गाइज। मिलता हूँ आप लोगों से डे टू की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।